इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में, मतलब एक बहुत ही खास शेयर आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, जिसमें आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि काफी बेहतरीन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे इस स्टॉक के बारे में, तो वो है डीसीएम श्रीराम लिमिटेड। देखिए करंट मार्केट प्राइस जो है 13,000 करोड़ का है, एक मिड कैप कंपनी है। मिड कैप में क्या होता है, आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ता है, जिसको हम टेक्निकल चार्ट पे बात भी करेंगे, कब आपको एंट्री लेना चाहिए, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। टेक्निकल चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्राइस ही हमें प्रॉफिट देता है, प्राइस ही हमें लॉस देता है, तो ये बात हमेशा आपको याद रखना है। देखिए सिर्फ कंपनी के फंडामेंटल जान लेने से आप जानते हैं कि कंपनी अच्छी है या बुरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन प्राइस कहाँ आपको लेना है ये बताता है। अगर आप हाइयर प्राइस पर ले लेते हैं, कई सारे अच्छे स्टॉक्स भी है जिसमें आपका 3 से 4 सालों के लिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो फंसा रह जाएगा, आपको कुछ भी रिटर्न वहां से प्राप्त नहीं होगा, इसलिए हमेशा आपको सतर्क रहना है। अब देखिए इसका डिविडेंड यील्ड है 1% का, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 16% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% का, प्रमोटर्स होल्डिंग 66.5%, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, डेट टू इक्विटी 0.31 का है, टोटल डेट की बात 1,452 करोड़ का है, नेट प्रॉफिट 673 करोड़ का है, रिजर्व की बात करें 4,623 करोड़ का है। तो हर पैरामीटर्स पे ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन दिख रही है। अगर हम एनालिसिस की बात करें तो जो प्रोज है इस कंपनी में, कंपनी अपना डेट रिड्यूस किया है, कंपनी जो है मेंटेन किया हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 18%, डेबिटर्स डेज इंप्रूव किया है 39 डेज से 20 डेज। देखिए इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट, डायरेक्ट डेबिटर्स डेज जो है वो हाफ हो चुका है, मतलब कंपनी जो पहले पेमेंट रिसीव करती थी अपने सामान के बदले वो आप आधे दिनों में करती है, काफ़ी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है। कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 7.52%। उसके बाद इसके पीयर से कंपेयर भी कर सकते हैं, तो ज़्यादा कुछ खास पीयर से कंपेयर में बचा नहीं, क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस है पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड है, तो बिजनेस को हम सबसे लास्ट में देखेंगे। आप प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कि पैरामीटर्स होता है कंपनी को एनालाइज करने का। देखिए यहाँ पर सेल्स ग्रोथ 3,500 करोड़ का था 2010 में, जो कि बढ़ के हो गया 8,300 करोड़, तो काफ़ी ज़्यादा सेल्स इंक्रीज हुआ है 10 साल में। अगर बात करें नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट था यहाँ पर 2011 में तो लॉस में थी कंपनी, 84 करोड़ का था 2010 में, वहाँ से इंक्रीज होकर के हो गया 673 करोड़ का, तो ये भी काफ़ी इंप्रूव हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का काफ़ी इंक्रीज हुआ है, 9% से 14% जा चुका है। देखिए हर पैरामीटर्स पे कंपनी अपने आप को इंप्रूव कर रही है। अगर नीचे आते हैं तो कंपनी के सेल्स ग्रोथ का CAGR देखें 10 ईयर्स में तो 7% का CAGR है, प्रॉफिट ग्रोथ का 50% का CAGR है 10 ईयर्स में। देखिए काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है कंपनी ने। स्टॉक के प्राइस का CAGR देखें 34% का CAGR ग्रोथ मिला है आपको, तो ये काफ़ी बेहतरीन है, इतना परसेंट का रिटर्न जो कि काफ़ी बेहतरीन होता है। अगर 20% का CAGR मिल जाए तो भी काफ़ी बेहतरीन है, यहाँ तो 34% मिल रहा है। अब देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 18% है 10 ईयर्स में, तो हमें तो प्राइस CAGR काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है, और जो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स है सारे बेहतरीन है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी बेहतरीन है, रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड भी काफ़ी बेहतरीन है लॉन्ग टर्म में। उसके बाद जो अगला फेज आता है बैलेंस शीट का, ये भी काफ़ी बेहतरीन है। इस कंपनी के पास शेयर कैपिटल मात्र है 31 करोड़ का, रिजर्व कंपनी के पास है काफ़ी बेहतरीन 4,623 करोड़ का। कंपनी का जो डेट है वो देखिए डेट कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, बीच में थोड़ा सा डेट कम हुआ था, लेकिन अभी भी डेट कंपनी के ऊपर लगभग कांस्टेंट बना हुआ है, तो कुछ खास बर्डन नहीं कंपनी के ऊपर, क्योंकि कंपनी अच्छी खासी है, वेल एस्टेब्लिश है, कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाइड है, तो कंपनी के ऊपर डेट भी कुछ खास नहीं है। अब बात करें जो कैश फ्लो है कंपनी का, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है सबसे मेन है, तो इससे कैश फ्लो देख सकते हैं कंपनी लगातार इंक्रीज हुआ है, मतलब हर साल कंपनी अपना जो कैश फ्लो है वो इंक्रीज किया है। अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो शॉर्ट टर्म में किसी साल इंक्रीज किसी साल डिक्रीज देखने मिलेगा, लेकिन 2021 में 1,800 का कैश फ्लो है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, वहीं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो नेगेटिव है, तो ये कंपनी इन्वेस्ट किया तो नेगेटिव ऐसे भी रहेगा, फाइनेंशियल एक्टिविटी नेगेटिव, ओवरऑल कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव रहा है, जिसने कई सालों से लगातार पॉजिटिव है, तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी सॉलिड दिख रही है, काफ़ी बेहतरीन। अगला है रेशियोज, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड की बात करें तो अभी 16% है 2021 में, ये लगातार इंप्रूव हुआ है, यहाँ देख सकते हैं कभी डिक्रीज हुआ लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा इंक्रीज हुआ है। डेबिटर्स डेज तो काफ़ी इंप्रूव हुआ है, अब तो कंपनी मात्र 20 डे में पेमेंट रिसीव करने लगी। इन्वेंट्री टर्नओवर ये भी अच्छा, उतना खास नहीं है लेकिन ठीक ठाक है 2.73 का। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर्स का स्टेक
लगभग बढ़ा है। देखिए 2018 में प्रमोटर से स्टेक बढ़ाया था तो जो कि पॉजिटिव साइन है, प्रमोटर का स्टेक भी थोड़ा बढ़ा है पिछले 3 सालों में, तो ये भी पॉजिटिव साइन है। FIs का स्टेक 2.52% है, कुछ खास नहीं है। DIs का स्टेक 9.57 है, तो ये भी स्टेक ठीक ठाक है। और पब्लिक का स्टेक 20%, ये अच्छी एक कंपनी है जिसमें पब्लिक का स्टेक अच्छा खासा है। लेकिन इसमें भी देखिएगा तो कई सारे अच्छे खासे स्टेक रखते हैं इस कंपनी में। तो देखिए ऐसे बेहतर स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए अगर पोर्टफोलियो को आप डाइवर्स करना चाहते हैं मिड कैप स्टॉक के रेंज में। तो देखिए फंडामेंटल पैरामीटर्स पे कंपनी काफी सॉलिड है, कंपनी अपना प्रॉफिट भी इंक्रीज कर रही है, सेल्स भी इंक्रीज कर रही है, कंपनी अपना बैलेंस शीट भी काफी मेंटेन किया हुआ है। अब बात करते हैं टेक्निकल चार्ट्स का, फिर जाएंगे कंपनी के बिजनेस में, कंपनी कौन कौन सी बिजनेस करती है। देखिए यहाँ पर जो प्राइस है ये 2014 से दिखा रहा है, मात्र 60 रुपीज का स्टॉक था, वहां से स्टॉक रैली किया 250 रुपीज का, 4 टाइम्स का रिटर्न। फिर गिरावट आता है और 100 रुपीज तक स्टॉक आता है, 100 रुपीज से फिर से 600 तक का जर्नी तय करता है, 620 रुपीज तक, और फिर वहां से स्टॉक में लगभग 60% तक का गिरावट देखने में, तो उससे भी ज़्यादा 235 रुपीज तक स्टॉक आता है, फिर से ये 620 रुपीज तक जाता है, फिर उसी सेम लेवल तक जो प्रीवियस हाई था, और फिर से गिरावट काफ़ी ज़्यादा होती 175 रुपीज तक, और वहाँ से 175 से स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 900 के आसपास। तो देखिए इतना बेहतरीन स्टॉक का जर्नी रहा है, इतना ही वोलेटाइल रहता है स्टॉक, तो जब यहाँ पर आपको काफ़ी हायर लेवल पे स्टॉक आ जाता है तो यहाँ पर आप कुछ प्रॉफिट बुक करते जाएं, और फिर लोअर लेवल पर आता है तो आप बाय कर सकते हैं, इस तरह का आप स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा कि प्राइस का जो फ्लैक्चुएसन है वो किस प्रकार होता है, इस तरह हम आपको प्राइस फ्लैक्चुएसन में स्टॉक में बने रहना पड़ेगा जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है खास करके, और जो हाई लेवल पाते हैं तो यहाँ पर आप अपना पार्सल प्रॉफिट भी बुक करते रह सकते हैं। अब कंपनी के बिजनेस की बात करें, कंपनी का बिजनेस काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। देखिए यहाँ पर DCM श्रीराम, तो यहाँ पर आते हैं इस वेबसाइट पे, तो बिजनेस में जाइए तो एग्रो रूरल बिजनेस करती है कंपनी, क्लोर विनाइल बिजनेस करती है, वैल्यू एडेड बिजनेस करती है, तो तीन तीन बिजनेस सेगमेंट है कंपनी का, और तीनों बिजनेस सेगमेंट में काफ़ी अच्छा पकड़ है कंपनी का। देखिए रूरल सेगमेंट की बात करें तो रूरल सेगमेंट में कंपनी यूरिया का बिजनेस करती है, शुगर का करती है, फार्म सॉल्यूशन हाइब्रिड सीड बनाती है, और उसी तरह से कंपनी जो है अगले दो सेगमेंट जो है उसमें भी अच्छा खासा काम कर रही है। तो इस तरह से कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, मतलब कंपनी पर कुछ खास इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, और कंपनी का बिजनेस में मार्केट शेयर भी काफ़ी अच्छा खासा है। तो इस तरह से ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज से, तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जरूर इन्वेस्ट करें अगर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं मिड कैप स्टॉक्स में। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, वीडियो आपको पसंद आया हो, तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के एजुकेशन और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।